बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बना रहे हैं सीख कबाब। बोनलेस रोटी 1 किलो मैंने ली है, इसका कीमा कर लेंगे। आधी गुटी धनिया की ली है, आधी से थोड़ी सी कम है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, पुदीना है थोड़ा सा, थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 3 से 4 टेबल स्पून है, और 6 सब्ज़ मिर्च कटी हुई। 2 प्याज मैंने ले लिए थे, चौक करके इसका पानी मैंने अच्छी तरह निकाल दिया था। 2 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाले का, 1 चम्मच दड़ा मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा, और 1 कोयला लिया, इसका हम धुआं देंगे। अब मैंने देसी घी डाला, आप देसी घी चाहे तो डालें, नहीं है तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब चॉपर में डाल के इसका कीमा बना लेंगे चिकन का, और थोड़ा सा इसमें देसी घी अभी डालेंगे, साथ साथ डालते रहेंगे। कीमा मैंने बना लिया, चॉपर में मैंने कीमा बना लिया, अब इसमें सारी चीजें मिक्स करेंगे। प्याज डालेंगे, सब्ज़ धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें। इसमें ये सारे मसाले शामिल करेंगे। मसाले सारे शामिल करके अब अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। कीमे को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब जलता हुआ कोयला इसमें रखूंगी और इसके ऊपर ऑयल डालूंगी। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी। 10 मिनट के लिए धुआं दिया था, अब ढक्कन उठा देंगे और कोयले को बाहर निकाल देंगे और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधे कीमे को हमने बारबेक्यू किया था और आधे को हम सीख कबाब घी में तलाई करेंगे और इस तरह बना के निकालेंगे। फ्राई पैन में मैंने 1/2 कप ऑयल डाला था, ऑयल गर्म हो चुका, अब इसमें कबाब तलाई करेंगे। इसी तरह में रख, आधे हम फ्राई कर चुके हैं, आधे अब बारबेक्यू करेंगे। इस तरह करके हम सीख में लगा लेंगे कबाब। इस तरह कबाब को बारबेक्यू करेंगे। अब ये सीख कबाब तैयार हो गए, बारबेक्यू वाले इसको इसी तरह उतार के प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह सारे ये हमने बारबेक्यू कर लिए, कितना ही प्यारा कलर आया और बहुत ही टेस्टी बने हैं। हाँ, मैंने कबाब बारबेक्यू किए थे और हाफ मैंने घी में तलाई किए। मेज़ा एक ही है, टेस्ट दोनों का अलग अलग है। ये बहुत ही मज़े के और जूसी बने हैं, ये देखें, और आप भी ज़रूर ट्राई करें।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।